हम बड़े ही आसानी से जब चाहे तब एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एटीएम कैसे काम करता है? बहुत ही रोमांचक जानकारी देंगे, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, हमारे एटीएम कार्ड में एक काले कलर की मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है जिसमें सारी जानकारी स्टोर होती है। जब हम अपना कार्ड एटीएम में डालते हैं तो हमारे कार्ड में मौजूद जानकारी के हिसाब से एटीएम बैंक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, जिससे पता चलता है कि आपका एटीएम वैलिड है या नहीं। अगर आपका एटीएम वैलिड होता है तो आपसे पिन मांगा जाता है और उस पिन को बैंक के डेटाबेस से मैच किया जाता है। अगर आपका पिन सही है तो आपको पैसे निकालने के लिए अलाउ किया जाता है। आप देखते होंगे कि हम एटीएम पर पैसे निकालने जाते हैं और गार्ड बोलता है कि सर्वर डाउन है। इसका मतलब है कि एटीएम बैंक के सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है और ऐसी हालत में आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं।